दीदी क्या नाम है आपका? शैम्पू। लो, इस पे पढ़ना आता है आपको क्या लिखा हुआ है? इस पे लिखा हुआ है, दीदी मैं भीख नहीं मांगती, मैं मेहनत करके कमाती। तो ये मैसेज आपने अपने जो भी आसपास के लोग हैं उनको भी देना है, क्योंकि तो भीख मांगना गलत बात है। भीख मांगोगे लोग आपको पता आजकल पैसे भी नहीं देते। आप सामान बेचोगे ना तो लोगों को अच्छा लगेगा, ये लेडी सामान बेच के पैसा कमा रही है और अपने बच्चों को पाल रही है। चार बच्चे हैं, कहाँ साथ में रहते हैं? मतलब पीछे जो खड़े हुए हैं, तो इनको पढ़ाई क्यों नहीं कराते आप? गांव में पढ़ते हैं, लॉकडाउन लग गया ना तो स्कूल। देखो दीदी, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप बच्चों को पढ़ाओगे ना तो अच्छा लगेगा मेरे को भी, क्योंकि ये जो आपका जो जीवन है ना आने वाला, वो अच्छा कर देंगे। बच्चों के हाथ में होता सब कुछ। ये वो लड़की तो स्कूल जाती है, तो बाकी तीन बच्चे? दो जाते हैं, दो नहीं जाते। गलत बात है, छोटे हैं ना अभी तो, वो इसके नहीं दूध पीती है। मेरे से वादा करो भीख नहीं मांगोगे आज के बाद? नहीं मांगूंगी। पक्का ना? हाँ, हमेशा सामान बेचोगे, पैसा कुछ एक्स्ट्रा आएगा, फिर दोबारा सामान लाओगे, फिर पैसा एक्स्ट्रा आएगा, ऐसे करो। भीख कभी मत मांगो। वैसे रेड लाइट पे कितने पैसे रोज के जोड़ लेते थे आप? 150 मांगते, बच्चे खा जाते, चाय पानी। अच्छा, सब्जी बन जाती है और क्या। दीदी ये ना कुछ बच्चों के वो होते हैं जो बच्चे पसंद करते हैं, ठीक है दीदी? ये ना एक 5 रुपए का है, मतलब हम जो खरीद के लेकर आए हैं, आप इसको 15 रुपए का बेचोगे ना तभी बिक जाएगा। ये पूरा पैकेट ये 15 रुपए का बेचोगे तभी बिक जाएगा। इसमें ना बच्चे पसंद करते हैं, स्टिकर लगे होते हैं इसके अंदर, तो जैसे ही गाड़ी वाले के पास जाओगे, बच्चा गाड़ी में बैठा होगा, ये दिखाओगे ना तो समझ जाएगा ये लेडी मेहनत करती है, भीख नहीं मांगती है, ठीक है ना? ये बहुत सारे लेकर आया हूँ मैं, और मैं आपको एड्रेस लिख के दूंगा ये माल मिलता कहाँ से है, फिर दोबारा से लेके आना आप, जो पैसा आप जैसे जितना पैसा इससे कमा लोगे, फिर दोबारा सामान लेके आना, दोबारा कमाना। 5 रुपए का पड़ता है आपको एक, ये 10 रुपए का भी बिक जाएगा, 8 रुपए का बिक जाएगा, लेकिन भी कभी मत मांगना आप। ये दीदी मैं लेकर आया हूँ, टोटल 50 लेकर आया हूँ मैं, ठीक है ना? हमेशा बच्चों को पढ़ाओ और इनको रोड पे मत छोड़ो ऐसे। लो दीदी, टोटल 50 पैकेट है दीदी, इसको हमेशा हाथ में रखना अपने आप, और आपके आसपास जितनी भी लेडीज़ है जो भीख मांगती है उनको ये मैसेज दिखाना आप। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे भारत देश में लोग भीख मांगे, मेहनत करके कमाएं और अपना घर चलाएं। ये एड्रेस लिख के दूंगा आपको मैं कि ये सामान कहाँ से मिलता है, कितने का मिलता है, वहीं से लेकर आना आप, पास में ही दूर नहीं है। लो दीदी 50 पैकेट है ये, ठीक है दीदी? आशीर्वाद बनाए रखो आप। आपका भगवान बना। हाँ, मैं अभी एड्रेस लिख के दूंगा, बैठ जाओ आप, वहीं से सामान लेके आना आप।